सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ये कैसे ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया है हमारा ये घाघरा? कायरव का एक्सीडेंट हो गया, कार्तिक ने कायरव को बचा लिया, कार्तिक और कायरव का मिलन हुआ या नहीं हुआ, और इस सब में नायरा का क्या हुआ? एक काम करते हैं ना, ये सब देख लेते हैं यहाँ पर। पूरी हुई कार्तिक की तलाश। पापा से मिलने की कायरव की आस। बेटे की तलाश में नायरा हुई बधावास। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरकार बाप बेटे का मिलन हो ही गया। असल में कायरव अपने पापा कार्तिक से मिलने उदयपुर जाने वाला था, लेकिन जब ये बात कार्तिक को पता चली तो वो खुद गोवा चले आए। उस गोवा कार्निवाल में जहाँ नन्ही सी जान कायरव अपने पापा कार्तिक से मिलने के लिए उतावला हो रहा है, और देखिए तो कार्तिक को कैसे उसकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ने कार्निवल की कुछ फोटोज भेजे हैं कार्तिक को, सो आई ही डजंट नो एग्जैक्टली कि बच्चा दिखता कैसा है, लेकिन उन्हें पता है कि वो यहीं कहीं है। वैसे कायरव की तलाश में तो इस गोवा कार्निवाल में नायरा भी पहुंच गई है, और उसकी निगाहें सिर्फ कायरव को ढूंढ रही है जो उसे कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन ऊपर वाला तो चाहता है बाप बेटे को मिलाना, और इनके मिलन में भी ट्विस्ट है जहाँ कायरव के साथ हादसा होते होते टला, क्योंकि सही समय पर कार्तिक जो पहुंच गए। Yes, कायरव और कार्तिक का इस तरह मिलन होता है फाइनली, एंड इट इज एग्जैक्टली हाउ हिज मदर ऑलवेज टोल्ड हिम, जैसे नायरा हमेशा उन्हें बताती थी कि जब आप अपने पापा से मिलोगे तो स्काई पिंक हो जाएगा, रेनबोज होंगे, बटरफ्लाई होगा, एक कार्निवल हो रहा है, इट्स ऑल ब्यूटिफुल, डांस गाना चल रहा है, जोकर्स है, सर्कस हो रहा है, सो ऑल दोज थिंग्स, कलर्स एंड एवरीथिंग, और उसके बीच कार्तिक और कायरव का इस तरह कुछ मिलन हो रहा है जहाँ पर कायरव का एक्सीडेंट होते होते बचता है और कार्तिक उन्हें लास्ट मिनट बचाते हैं, एंड द मोमेंट कायरव ओपन्स हिज आईज ही सीज हिज पापा राइट इन फ्रंट। शायद पापा आ गए गोया। मिलन हो तो ऐसा, लेकिन अभी ये मिलन अधूरा है क्योंकि कार्तिक और कायरव अपने असली रिश्ते से अनजान जो है। खैर, ऑन स्क्रीन ना ही कार्तिक नायरा का आमना सामना हुआ और ना ही नायरा अपने बेटे कायरव को ढूंढ पाई, लेकिन ऑफ स्क्रीन शिवांगी उस बच्चे के साथ इस पार्क की राइड्स को एंजॉय जरूर कर रही है। प्रियांशु झा, मुंबई आज तक।